नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बंदरों का की भर्ती जो काफी दिन से लोग वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो आज उसका यूपी SSSC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और खास बात यह है कि इस भर्ती के बारे में अभी तक ये कयास लगाया जा रहा था कि ये जो है 2022 के पेट के आधार पर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भर्ती जो है 2021 के पेट के स्कोर के आधार पर ही होगी, यानी 2021 का जो पेट का स्कोर है उसके आधार पर ये भर्ती कराई जाएगी। तो आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2000 यानी जो अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो 2021 के पेट के स्कोर के आधार पर किया जाएगा, यानी 2021 का जैसा स्कोर उसी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वैकेंसी कम है, यानी 700 के आसपास है, तो इसका मतलब इसमें परसेंटाइल बहुत हाई जाएगा, क्योंकि जब अभी लेखपाल में 8000 वैकेंसी थी तो उसका परसेंटाइल काफी गया था, तो इसमें तो 700 है, तो इसका मतलब परसेंटाइल तो जाहिर बात है ज्यादा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसकी एलिजिबिलिटी, हालांकि इसका परसेंटाइल थोड़ा इसकी एलिजिबिलिटी कम कर देगी, अगर एलिजिबिलिटी कॉमन होती तो इसका परसेंटाइल बहुत ज्यादा। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जैसा कि आप अपने देख पा रहे हैं, कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी यानी फिजिक्स में, यानी केमिस्ट्री यानी बॉटनी और जंतु विज्ञान या वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री जिसे कहते हैं, या भूगर्भ विज्ञान या कृषि सांख्यिकी पर्यावरण विज्ञान में दो या दो से अधिक विषयों के साथ आपने स्नातक किया हो, यानी कि अगर ग्रेजुएशन में आपके पास इनमें से कोई दो विषय रहे हों, कम से कम ये जो दिया हुआ है इसका मतलब ये है। अगर कॉमन एलिजिबिलिटी होती तो बहुत सारे लोग भर सकते थे, लेकिन बहुत लोग इस जो ये क्वालिफिकेशन है इसको पूरा नहीं करते हैं, भले उनके पेट में नंबर कितने भी हैं तो वो भर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ और दूसरी बात, इसमें एज की बात करते हैं तो एज 21 साल, यूपी SSSC जो भी भर्ती कराता है उसकी एज 21 से 40 के बीच में ही होती है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे फोर्स की नौकरी है तो इसमें कम होगी, ऐसा नहीं, 21 से 40 वर्ष है इसके लिए भी, यानी मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, बाकी जो रिजर्वेशन है उसके लिए अलग से है, वो तो आप जानते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग इसकी बात करें जो मेजरमेंट, क्योंकि फोर्स की नौकरी है तो जाहिर सी बात है इसमें मेजरमेंट होगा, तो जो यानी मेल कैंडिडेट के लिए इसमें हाइट जो है वो 163 सेंटीमीटर है, जबकि यूपी पुलिस में होती है 167.8, ठीक है, ये होती है यूपी पुलिस में, तो उससे कम है, इसका मतलब हाइट एक नॉर्मल है, इसमें बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे। महिला के लिए 150 सेंटीमीटर है, पुरुष के लिए जो है यहाँ पर दिया हुआ है, पुरुष के लिए जो 84 सेंटीमीटर आपका सीना और 5 सेंटीमीटर फुलाने के साथ, यानी कि 79 होना चाहिए विदाउट और 5 सेंटीमीटर फुलाने के साथ 84 होना चाहिए। ठीक है, खैर, तो उसके बाद ये तो हो गए। अब यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है जो है आपका यह अनुसूचित जनजाति और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी मूल वंश के अभ्यर्थियों के लिए जो है ये थोड़ी सी और इसमें राहत की बात है, यानी हाइट उसमें कम मांगी गई उन लोगों के लिए जो इससे ताल्लुक रखते हैं। पदों की संख्या की बात करते हैं, जैसा कि एज यहाँ पर बताई दी गई, जो जनरल कैटेगरी के पद हैं वो 288 हैं, और अनुसूचित जाति के यानी SC के 160 हैं, और ST के हैं जो है वो 80 यहाँ पर हैं, OBC के हैं 163, और आपके EWS यानी जो 10% जो कोटा EWS का है सामान्य वर्ग को, वो है आपका 70। टोटल पदों की संख्या जो है वो 701 है। तो ये अब 701 होने की वजह से इसमें क्या होगा, यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है ये वैकेंसी कम है, इसलिए परसेंटाइल हमने जैसे शुरू में कहा ज्यादा होगा। साथ ही साथ इसमें एक बात और याद रखिएगा, 4 घंटे के अंदर आपको 25 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी होगी। ठीक, हालांकि दौड़ क्या उसको एक चलना कहेंगे, ठीक, तेज चाल से, तो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर दौड़ लगानी है। बाकी जो मेजरमेंट था वो भी बता दिया, इसका जो है आपको ग्रेड पे लिखा हुआ है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं 5200 से 20000 के बीच का ये है, ग्रेड पे इसका 2800 रुपये है। और जैसा कि जो यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर होता है वो दरोगा जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका ग्रेड पे 4200 होता है, ठीक है, इसका 2800 है। ठीक है, उसमें हाइट भी आपकी 167.8 मांगी जाती है, उसमें कॉमन एलिजिबिलिटी होती है, यानी कोई भी आदमी नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला चाहे BSc हो, BA हो, BCom कोई भी भर सकता है। तो इसमें दो बातें हैं, परसेंटाइल इसका एक तो वैकेंसी कम है इसलिए इसका परसेंटाइल ज्यादा जाएगा, साथ ही साथ परसेंटाइल दूसरा पहलू ये है कि इसमें स्पेशल योग्यता मांगी गई, नहीं वरना परसेंटाइल तो इसका फिर और भी बहुत ज्यादा ज्यादा जाता, तो इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये सब्जेक्ट नहीं है, उनका परसेंटाइल बहुत अच्छा है, बहुत लोग इसमें जो है क्या नाम इसी चक्कर में रह जाएंगे जिनके वजह से ये इनके पास सब्जेक्ट नहीं है। तो ये थी बंदरों की जानकारी, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।